विजयादशमी के अवसर पर छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में प्रत्येक वर्ष रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन को लेकर आयोजन समिति के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। रावण वध कार्यक्रम 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। रावण और मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे हैं। कारीगर इस बार पटना से बुलाए गए हैं, जो पुतलों का निर्माण करेंगे और बेहतर आतिशबाजी का भी प्रबंध करेंगे। इसके साथ ही स्टेडियम में होने वाली भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं, जिसे लेकर पूजा समिति अक्षरशः पालन कर रही है और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे। इसके तहत ड्रोन कैमरे से सभी पर निगरानी भी रखी जाएगी। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ इस स्टेज पे पटना से जो हमारे कलाकार आए हैं रावण और मेघनाथ के निर्माण के लिए, वह कार्य तेजी से चल रहा है और इस बार जो कार्यक्रम होगा वह बहुत ही शानदार और अच्छा होगा। इसके अलावा जिला प्रशासन भी इसमें समिति को काफ़ी सहयोग कर रहा है और उसके लिए उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त वो कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरे मैदान में बैरिकेडिंग वगैरह की व्यवस्था होगी, वीडियोग्राफी की व्यवस्था होगी, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे लगेंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, एवं ड्रोन से भी इसके सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इस बार हर साल से विभिन्न तरह की आतिशबाजी देखने के लिए मिलेगी। इस बार हमारे पास जो भी कारीगर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं सब छपरा से बाहर के हैं। पहले हम लोग छपरा के लोकल कारीगरों से बनाते थे, उन लोग की इधर उधर उन लोग के भटक जाने की वजह से, उपलब्ध नहीं होने की वजह से हम लोगों ने बाहर से कारीगरों को बुलाया है, जिनका कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे बिहार के पटना के गांधी मैदान में जो टीम काम करती है वही टीम छपरा में भी काम कर रही है, और वो जो है 50 फीट का रावण और 45 फीट का मेघनाथ का पुतला आप पीछे देख रहे बन रहा है। और इस बार जो रावण और मेघनाथ की मूर्ति जो बनेगी वो हर साल की अपेक्षा इस साल देखने लायक होगी और दर्शकों के लिए मनोरंजन के लिए भरपूर व्यवस्था की गई है। स्टेडियम के अंदर आने जाने की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग, और इस समिति के सदस्यों के परिवार बच्चे और महिलाओं के लिए ऊपर, और जिला प्रशासन और प्रशासन के तमाम लोगों के परिवारों के लिए भी ऊपर बैठने की विशेष व्यवस्था है ताकि किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत किसी को नहीं हो। सबसे एक प्रार्थना है कि जैसा पूर्व में आते हैं आए कार्यक्रम देखें और आराम से अपने घरों पर।